मेरा सिंह, आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको जो है बॉयज़ हॉस्टल का टूर कराएंगे, कि आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स थे कि दी कॉलेज से बॉयज़ हॉस्टल कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आप खुद अंदाज़ लगा लेना, ठीक है, कि कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स लगभग जो है 10 मिनट या का टाइम लगता है, ठीक है, कॉलेज से बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंचने में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कुछ मैंने की है, कुछ मेरे एक फ्रेंड्स ने की है, ठीक है, जिसका भी एक यूट्यूब चैनल है नीट यूजी के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी ने मेरे को जो है बॉयज़ हॉस्टल का अंदर का जो है क्लिप बना के दिया था। गर्ल्स जो है बॉयज़ हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उसने ही बना के दिया था। तो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स हम बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंचेंगे कहां से? अपने कैंपस के मेन गेट से, यानी हम कॉलेज का जो हमारा मेन गेट है वहां से हम जो है बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंचेंगे, फिर बॉयज़ हॉस्टल के अंदर चलेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स देखो, आप खुद अंदाज़ लगा लोगे कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स यहां से जैसे 10-15 मिनट्स आराम से लग जाते हैं, पैदल पैदल जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल तक पहुँचने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, सामने आप जो देख रहे हो यहाँ पे एक बटालियन है, मतलब जो आर्मी के जो पर्सन्स हैं उनके लिए, ठीक है, उनके क्वार्टर वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जो है एक पार्क मिलता है हमको, जो अभी बंद है, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हैं, सब जगह ही बंद है वो तो, ठीक है। और फ्रेंड्स आप बताओ कैसे हो आप सब लोग, और आपको न्यू वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको किसी भी तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी टॉपिक में या कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उस पे वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स करके बता दिया करो, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को ज़रूर मैं सॉल्व करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मुझे कमेंट्स किया और मैंने जो है आपका डाउट सॉल्व नहीं किया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक स्कूल है जिसका आंगनबाड़ी है, ठीक है, ये बटालियन का यहाँ पे कैंटीन है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब हम पहुँच चले, बस थोड़ा सा दूर और रहा है हमारा बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, हम जब मार्केट आते हैं तो हमें भी मान लो कि ऑटो वगैरह नहीं मिलता है, तो इसी रास्ते से जो है पैदल पैदल आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो फर्स्ट ईयर में जो है गाड़ी वगैरह नहीं ला सकते, मना है मतलब, तो क्योंकि चलाना भी नहीं आता, काफ़ी लोगों को चलाना भी आता है तो फिर थोड़ा सा नहीं लाने देते सीनियर्स फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, बॉयज़ हॉस्टल की जो बिल्डिंग्स हैं आई थिंक 4 या 5 हैं, जो मेरा फ्रेंड्स ही बता रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस हॉस्टल के अंदर एंट्री करेंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ये पार्किंग एरिया है नीचे वाला, ठीक है। तो आपने जैसे गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखना, उसमें भी जस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहले हमको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है मैस मिलता है। तो फ्रेंड्स बॉयज़ हॉस्टल में भी सबसे पहले नीचे मैस है। तो फ्रेंड्स ये देखो मैस है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ना काफ़ी गंदा हो रहा है, आप देख लेना, क्यों हमारा भी गंदा मतलब हो ही जाता है, लेकिन हम लोग तो उनसे बोल के साफ़ करवा लेते हैं और इन बॉयज़ का पता ही नहीं क्या ही करवाते हैं, बहुत गंदा डला हुआ है पूरा मतलब मैस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मैस के बाद में अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो फ्रेंड्स आपने गर्ल्स हॉस्टल में भी देखा होगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको भी देखना, आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है गर्ल्स हॉस्टल, यानी सारे हॉस्टल सेम हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही है पार्किंग एरिया, फिर मैस, और देन फिर फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे हमको एक रिक्रिएशन हॉल मिलता है जिसमें आप एक्सरसाइज वगैरह अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी बॉयज़ हॉस्टल में भी देख लेते हैं कि क्या हमको मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर भी रिक्रिएशन हॉल ही है और न्यू कुछ नहीं है, सारे जो हॉस्टल हैं वो सेम पैटर्न पर बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो काफ़ी बड़ा है, हम लोगों का भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में भी काफ़ी बड़ा है। और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे इस पर कुछ रूम्स भी हैं, ठीक है, तो इस तरीके से है।
तो फ्रेंड्स इसके और जितने भी ये फोर्थ फ्लोर तक बना हुआ है ये, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो, है ना। तो फ्रेंड्स सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो सेम हैं, उनके फ्लोर भी सेम हैं, ठीक है। और अंदर से जो है बिल्कुल सेम है गर्ल्स हॉस्टल की तरह, ठीक है। और मैं वो सारी क्लिप्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी डिलीट हो गई थी, तो सिर्फ हमने फर्स्ट फ्लोर देखा। और फ्रेंड्स कुछ नया नहीं है, सारे फ्लोर्स बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि हम जैसे मार्केट जाते हैं तो हमको कितना टाइम लगता है, और मार्केट जो जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो किस रूट से जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जैसे हम कहाँ से कैंपस से चले, अपने कॉलेज से चले, और सबसे पहले हमको ये बॉयज़ हॉस्टल मिला, ठीक है। देन फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं एक ठंडी सड़क के नाम से, एक सड़क यहाँ पे क्या है फेमस है, ठीक है। पता नहीं उसको ठंडी सड़क क्यों बोलते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन उसका नाम है ठंडी सड़क, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम उस पे चलेंगे, ठीक है। और वहाँ तक चलने पे हमको फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम हमारा कौन सी साइड मार्केट हम जाते हैं और कौन सी साइड जो है हॉस्पिटल जाते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जैसे आप मान लो नॉर्थ में मार्केट जा रहे हो तो बिल्कुल साउथ में हॉस्पिटल है आपका, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो सड़क भी बनी हुई दिख रही है ना। जब हम लोग 2020 में आए थे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम खंडर पड़ा हुआ था, बस ऐसा लग रहा था कि किस गांव में हमने एडमिशन ले लिया। लेकिन फ्रेंड्स अभी देखो ये 2018 में ओपन हुआ है कॉलेज, तो 5 साल के समथिंग होने वाले हैं, तो काम चल रहा है। मतलब देखो गवर्नमेंट काम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं और बन गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सड़क की जो चमक धमक, ये सब ना अभी बनी है, ठीक है। हम लोग जब आए थे तब कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स देखो इधर जो है ये मार्केट का जो रास्ता है, यहाँ से मार्केट जाते हैं, और इस सड़क को बोलते हैं ठंडी सड़क, ठीक है। एंड इसके जस्ट अपोजिट में जो है हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे कहाँ पे, हॉस्पिटल को भी देखेंगे कि हॉस्पिटल किधर है और कहाँ तक है उसको, मतलब हमको जो है कॉलेज से हॉस्पिटल पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो अब हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में हम जाते हैं और हमको हॉस्पिटल का रास्ता यही है, ठीक। तो फ्रेंड्स देखो हर मेडिकल कॉलेज का अपना एक हॉस्पिटल होता है ना। किसी का 1000 बेड का होता है तो किसी का 600 बेड का होता है, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमारे कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है, जो कि हॉस्पिटल वो कैंपस के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो अभी नहीं बना है, तो वो जो हमारा कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है उससे कनेक्टेड है। तो जैसे हमारे सीनियर और सुपर सीनियर की यदि पोस्टिंग्स रहती हैं तो वो इसी हॉस्पिटल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही पोस्टिंग के लिए आते हैं, वो अपने किसी न किसी व्हीकल से आते हैं। और फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो जब हम अपने कैंपस से यदि पैदल निकलेंगे ना, मैं तो एक दो बार आई हूँ क्योंकि कुछ मिलता नहीं था, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, जैसे हमको RT-PCR वगैरह कराना होता था तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कम से कम आधा घंटा तो लगता ही लगता है आप जब सही तरीके से चल रहे हो तब, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखो ये सड़क देख रहे हो, इधर जो आपको दिख रही है बिल्कुल सीधी सड़क, ठीक है, इसी से होकर के आप अंदर की तरफ जाओगे और आपको जो है ये ऑटो देखो, ऑटो जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है हॉस्पिटल का रास्ता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको वापस कैंपस के अंदर ले चलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम वापस देखो कैंपस के अंदर आ गए। तो फ्रेंड्स देखो आप ये देख रहे हो सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से। तो फ्रेंड्स मैं आपको अगली वीडियो में ये लाइब्रेरी के ऊपर हमारी वीडियोस रहेगी एंड हॉस्पिटल के ऊपर, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो अभी, मैं इसमें एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, डीन सर का ऑफिस जो है किधर है, ठीक है। आप ये सड़क देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये कॉलेज जो हमारा बना हुआ है, जो हमारी क्लासेस लगती हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसके चारों तरफ है ये सड़क, मतलब एक सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है, और जो पूरा बिल्डिंग है वो मिड में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो आप ये हमारा जो इधर से डीन सर की जो ऑफिस है उसका रास्ता है इधर से, ठीक है, आप अंदर से देखिए। एंड फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना,
और आपने यदि कैंपस की वीडियो और गर्ल्स हॉस्टल टूर की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। ओके एंड और फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, अभी देखो हम यहाँ पे देखो ये डेवलपमेंट चल ही रहा है, काफ़ी जो फ्लावर्स लगे हुए हैं है ना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं अभी धीरे धीरे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, वीडियो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बॉयज़ हॉस्टल का, वहीं पे हम इसको एंड करेंगे। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।